निमाटोड, आप सभी इस बीमारी से परिचित हैं। यह बीमारी केवल अमरूद में ही नहीं बल्कि टमाटर, मिर्ची और नींबू में भी आती है। अभी तक हम इस बीमारी का अमरूद पर ही जिक्र करते रहे हैं। किसान साथियों, आप सबको पता है कि इस बीमारी की क्या क्या दवाई है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्या बीमारी है और किस प्रकार होती है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस बीमारी से लड़ने की एक नई दवाई क्या है और आपको ये दवाई अमरूद में भी क्यों प्रयोग करके देखनी चाहिए। किसान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी। किसान साथियों, एक मेरे साथी हैं नवेद शेख, आप सभी उनसे भली भांति परिचित होंगे। उन्होंने मुझे एक लेख भेजा है और मुझे कहा है कि त्यागी जी, इस पर एक वीडियो बनाइए। उन्होंने इस दवाई का प्रयोग टमाटर, मिर्ची और नींबू पर सफलतापूर्वक किया है। ये दवाई सस्ती भी है और एक बहुत ही मशहूर कंपनी की है। किसान साथियों, आप सभी को पता है कि नीमाटोड जमीन से जुड़ी हुई एक बीमारी। क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि ये किस समय आती है बीमारी? ये बीमारी अधिकतर गर्मी के मौसम में आती है या जब मौसम शुष्क होता है। और आपको याद होगा कि एक वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जहाँ पर मिट्टी थोड़ी रेतीली होती है, जो पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती, वहाँ भी यही आती है। लेकिन अगर रेतीली मिट्टी है और आपकी गर्मी है और शुष्क मौसम है, तो समझ लीजिए कि आपके पौधों में इसका प्रकोप हो सकता है। इसलिए इसकी सावधानी बरतिए। यह बीमारी फंगस और इंसेक्ट्स, इन दोनों से उत्पन्न होती है और ये पौधों की जड़ों में गांठे बनाना शुरू कर देती है। चूंकि ये सूत्रकर्मी जनित बीमारी है, तो जो सूत्रकर्मी हैं वे गांठों के रूप में जड़ों में बैठ जाते हैं और जो पौधा जमीन से जो तत्व लेता है और पौधे को देता है, उनको ये रोक देती है। इससे पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाता है। उसकी पहले कुछ पत्तियां पीली होंगी, धीरे धीरे पूरा पौधा पीला हो जाता है। उसमें नई जो पत्तियां हैं वह निकलनी बंद होती हैं और अंततः पौधा मृत्यु को प्राप्त होता है। अब नावेद भाई ने मुझे भेजा है कि एक दवाई बताई है कि ये दवाई जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बायर कंपनी की दवाई है और इसका नाम है लूना एक्सपीरियंस। पहले ये बाज़ार में लूना के नाम से आती थी और ये बहुत प्रचलित नहीं थी। अब मैं इस दवाई को क्यों कह रहा हूँ कि आप प्रयोग करें? नावेद भाई ने इसका प्रयोग मिर्च, टमाटर और नींबू में नीमाटोड के लिए सफलतापूर्वक किया है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इस दवाई को क्यों बताया, तो उन्होंने कहा कि त्यागी जी, देखिए, वेलम प्राइम में जो मुख्य तत्व है वह है फ्लियोपाइरम और ये इनका पेटेंट है। अब आइए लूना एक्सपीरियंस में देखिए, इसमें ये तत्व फ्लियोपाइरम तो है ही, इसके साथ टैबुकोनाजोल भी है जो कि एक बहुत अच्छा फंगीसाइड है। यहाँ मैं इस बात का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि जिन भाइयों को जो और दवाई प्रयोग करते हैं, कभी कभी फ़ायदा नहीं मिलता 10-20% तक, चाहे वो वेलम प्राइम हो, चाहे वो निस्टोड हो, चाहे वो निमिट्स हो, चाहे वो कार्बोफ्रॉन हो। जो जहाँ तक मुझे समझ में आया है और जो मैं एनालिसिस करता हूँ, जो रिजल्ट मेरे पास आते हैं, तो उसमें ये होता है कि इसकी साथ में फंगस भी होती है उनके पौधों में। अगर आप उसकी साथ में कोई फंगीसाइड का प्रयोग करेंगे तो आपके पौधों को। अमरूद के पौधों में किस दवाई का प्रयोग करते हैं निमाटोड के लिए? निमिट्स जो अदामा कंपनी की है, वेलम प्राइम बायर की है, और निस्टोड जो मेघधनुष बायो फर्टिलाइज़र की है, जिसको मैंने बताया है लोगों को और बहुत लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ है, और एक है कार्बोफुरान, और एक बायो एजेंट है जो कि प्रिवेंटिव है, पेसिलोमाइसिस लेलासिनस। अब एक किसान भाई ने इंदौर से मुझे एक पर्चा भेजा है। उन्होंने अपने पौधों में 25,000 रुपये की निमिट्स मंगाई और लगाई
उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो सोचने लगे कि इतनी मशहूर कंपनी है तो इसमें इससे फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे एक पर्चा भेजा है जो उस दवाई के साथ आया था, जिसमें उस दवाई का डिस्क्रिप्शन है। तो वो उन्होंने भेजा और उसमें साफ लिखा हुआ था कि इस दवाई का प्रयोग केवल इन तीन फसलों पर ही करें, उसमें इन तीनों के अलावा और किसी पर भी करने से मना किया गया था। फिर भी आप मज़े की बात देखिए कि एक्सपर्ट लोग इस दवाई का प्रयोग बताते हैं अमरूद में निमाटोड के लिए। इसके बाद आती है वेलम प्राइम। आप वेलम प्राइम का भी पर्चा देखिए और क्या उसमें लिखा है कि ये अमरूद के निमाटोड के लिए बनी है। अगर नहीं तो हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं। यही बात मैंने तुषार भाई से भी पूछी थी कि आपने इस दवाई का प्रयोग किस फसल के लिए किया था और इसका प्रयोग अमरूद में क्यों फ़ायदा दे रहा है। ये एक अलग विषय है। आप अपने विचार कमेंट के थ्रू वीडियो में बताइए और तब मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि ये दवाइयों में ये क्या कारण होते हैं कि हम उस फसल पर भी इसका प्रयोग करते हैं जिसके लिए वो नहीं बनी होती है। जब मैंने नावेद भाई से पूछा कि नावेद भाई ये दवाई तो मिर्ची टमाटर और नींबू में प्रयोग किया है तो आप क्यों बताते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर किसी किसान के मिर्ची टमाटर नींबू में निमाटोड है तो आप इस दवाई को बेझिझक प्रयोग करिए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम वेलम प्राइम क्यों ना करें और यही दवाई क्यों करें। जो तत्व वेलम प्रोम में है फ्लोरोपाइराम, वही तत्व इस दवाई में भी है और इसके अलावा इसमें टेबुकुनाजोल भी है जो कि एक फंगीसाइड है। ये तो हुई हमें एडिड एडवांटेज की बात। दूसरी बात यह हुई कि इस दवाई की कीमत वेलम प्राइम से आधे से भी कम है। और तीसरी बात यह हुई कि इसकी मात्रा केवल 1 ml प्रति लीटर आपको देनी है। अगर आप पौधे में 2 लीटर पानी देते हैं तो आपको केवल 2 ml दवाई की आवश्यकता होगी। अब आप गणना कर लीजिए कि कौन सी है। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा कि आप अमरूद में इसका प्रयोग कर लें। आपके पौधे इस बीमारी से बहुत इफेक्टेड हैं और आप बहुत परेशान हैं, तो किसान साथियों इसकी थोड़ी मात्रा लाइए और अपने कुछ पौधों में प्रयोग कर देखिए। हो सकता है उससे फ़ायदा मिले। जब निमीट्स लगा सकते हैं आप और उससे फ़ायदा मिलता है जो अमरूद के निमाटोड के लिए नहीं बनी है, जब आप वेलम प्राइम लगा सकते हैं जो निमाटोड के लिए अमरूद के नहीं बनी है, तो आप इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मिर्ची टमाटर और नींबू में यह रामबाण दवाई है, सस्ती भी है और कम भी। ये जो दवाई मैंने बताई है इसे आप कुछ ही पौधों में कर देखें, हो सकता है आपको फ़ायदा मिले। मेरा काम है हर चीज़ की जो भी कहीं प्रयोग होता है हम करते हैं या मेरी टीम करती है उसको आपके सामने रखना। निर्णय आपको लेना है कि हम इस दवाई का प्रयोग करें या ना करें। ये थी मेरी आज की प्रेजेंटेशन नीमाटोड पर, एक ऐसी दवाई की जो शायद आपने पहली बार सुनी होगी। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।